अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमा ज़ैनब ख़ान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिवैयों का उपमा बनाने की रेसिपी। इसको आप स्नैक टाइम या ब्रेकफास्ट टाइम भी बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए सिवैयाँ। ये लंबी वाली सिवैयाँ लेंगे, इसमें आपको छोटी भी मिल जाएंगी, आप उससे भी बना सकते हैं। टमाटर लेंगे एक छोटी प्लेट, इसको भी बारीक कट करके रख लेंगे। और हम एक छोटी प्लेट लेंगे प्याज, प्याज को भी बारीक कट कर लेंगे। फिर लेंगे हम कोथिमीर लेंगे एक मुट्ठी, करी पत्ता लेंगे, फिर हम लेंगे मटर, पीनट लेंगे यानी मूंगफली लेंगे। एक पतीले में हम पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज का कच्चापन खत्म होने तक इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। करी पत्ता भी ऐड कर देंगे, अगर आपके पास करी पत्ता फ्रेश है तो भी ऐड कर सकते हैं। प्याज और करी पत्ते को फ्राई होते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मटर, क्योंकि इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हम इसको पहले ऐड कर देंगे। मटर को जल्दी से गलने के लिए इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। मटर को हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। ऐड कर देंगे टमाटर, रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड करेंगे, 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। फिर हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। मसाले को अब हम अच्छे से पकने देंगे। ये देखें मसाला अब अच्छे से पक रहा है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कोथिमीर। कोथिमीर को बारीक चॉप करके ऐड कर लें, ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पीनट। मूंगफली को अब हम यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मूंगफली को फ्राई करके उपमे में ऐड करने से उपमा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इस तरह आप भी इसको फ्राई करके ऐड करें। मूंगफली अब अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको भी हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। अब हम इसी गरम तेल में ऐड कर देंगे बादाम और काजू, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम एक और पतीला लेंगे, इसके अंदर पानी अच्छे से गरम कर लेंगे। 2 गिलास जितना पानी अच्छे से गरम कर लेंगे। ये देखें मसाला भी अब अच्छे से पक रहा है। इधर देखें मूंगफली, बादाम और काजू भी फ्राई होकर तैयार है। ये सिवैयाँ लंबी वाली सिवैयाँ हैं, इसको हमें थोड़ा सा क्रश करके यानी इस तरह से करके ऐड करना होगा। मसाला तैयार है, अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सिवैयाँ। अब हम इसके अंदर उबला हुआ पानी यानी बॉईल किया हुआ पानी ऐड कर देंगे। इस तरह से इसके ऊपर ऐड करें, ऐड करके एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें सिवैयाँ अब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे मूंगफली, बादाम और काजू जो हमने फ्राई करके रखे थे, इसको ऐड करके अच्छे से एक बार मिक्स करके इसके ऊपर हम कवर कर देंगे। कवर करके इसको हम 3 से 4 मिनट तक दम देंगे। गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे। सिवैयों को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह, सिवैयाँ बिल्कुल तैयार हैं, इसको हम जल्दी से डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह, ये गरम गरम सिवैयाँ ये बहुत ही टेस्टी होती हैं। आप इस तरह बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं, बच्चे मैगी वगैरह खाते हैं तो सिवैयाँ भी बहुत ही टेस्टी बनती हैं। ये भी बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। उम्मीद करूँगी आपको ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।